Hello student, today we see the proportional derivative controller action mode. It is also called as capital PD controller action mode. Okay, so first of all we see the description, that is first point is it is the combination of proportional control and derivative कंट्रोल एक्शन. ओके, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, दैट इज प्रोपोर्शनल कंट्रोल और डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन का. देन सी नेक्स्ट, द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर स्टेबिलाइज द गेन. जो हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेगा, जो भी गेन आपको मिल रहा है उसको स्टेबिलाइज करेगा, बट प्रोड्यूस स्टेडी स्टेट एरर. लेकिन क्या करेगा, वो स्टेबिलाइज गेन के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर भी वो प्रोड्यूस करेगा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. एंड द डेरिवेटिव कंट्रोलर मिनिमाइज द एरर. अभी यहाँ पे जो हम लोग डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं वो क्या करेगा, ये जो स्टेडी स्टेट एरर जनरेट हुई है उसको मिनिमाइज करने का काम कौन करेगा, दैट इज़ द डेरिवेटिव कंट्रोलर और डेरिवेटिव कंट्रोल. ओके, सो इन दिस वे द टू फंक्शंस आर देयर. प्रोपोर्शनल क्या करेगा, गेन स्टेबिलाइज करेगा और स्टेडी स्टेट एरर भी प्रोड्यूस करेगा. ओके, और डेरिवेटिव क्या करेगा, जो भी स्टेडी स्टेट एरर जनरेट हुआ है प्रोड्यूस हुआ है उसको मिनिमाइज करने का काम डेरिवेटिव कंट्रोल करेगा. ओके, देन वी सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पीडी प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन मोड. द इक्वेशन इज दैट और एक्सप्रेशन इज दैट पी इज इक्वल्स टू के पी ई ऑफ टी प्लस के पी के डी DE of T upon DT plus P of 0. ओके, अभी इसमें से जो फर्स्ट है KPE of T, ये क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज़ द प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव. एंड द सेकंड टर्म दैट इज KPKD DE of T upon DT विल इंडिकेट द डेरिवेशन. देन P of 0 will be indicated as a output term. Okay, in this way these three terms will be used in proportional derivative control action mode. Okay, then after that we see the advantage. The first advantage is that it increases the controller gain during error change. ओके, ये क्या करता है, जब भी एरर चेंज होती है उस टाइम कंट्रोलर गेन क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, देन सेकंड है इट कैन हैंडल फास्ट प्रोसेस लोड चेंज. ये क्या हैंडल कर सकता है, जो भी फास्ट प्रोसेस होगी लोड चेंज की वो भी ये कंट्रोलर जो है हैंडल कर सकता है. देन थर्ड एडवांटेज लास्ट, इट कैन कंपनसेट द रैपिडली चेंज इन एरर. ये क्या कर सकता है, जो भी एरर होती है हमारी चेंज होती है रैपिडली उसको कंपनसेट भी ये रैपिडली कर सकता है. तो सो दीज आर थ्री आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन मोड. देन वी सी द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज ओनली वन डिसएडवांटेज इज देयर, दैट इज इट कैन नॉट इलिमिनेट द ऑफसेट ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. ओके, इसमें क्या होता है, अगर ऑफसेट जनरेट होता है तो ये इलिमिनेट नहीं कर सकता है. ओके, सो डिसएडवांटेज क्या है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन का, कैन नॉट इलिमिनेट द ऑफसेट ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. ओके, देन वी सी द एप्लीकेशन. Only one application is there, that is it is used in a temperature cascade system and patch neutralization.
ओके अभी ये टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम रहती है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो पैच न्यूट्रलाइजेशन भी सिस्टम होते हैं उसमें भी हम लोग ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन मोड जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके सो दिस इज द दीज आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन. आफ्टर दैट लास्टली वी सी द प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एक्शन ग्राफ या फिर हम लोग बोल सकते हैं एरर एंड कंट्रोलर आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो ऑलरेडी वी सी ऑन एक्स एक्सिस द टाइम पीरियड विल बी देयर, ऑन वाई एक्सिस दिस इज द एरर, एंड ऑन दिस इज द कंट्रोलर आउटपुट. ओके दैट इज द पी परसेंट एंड दिस इज द एरर दैट इज द ई ऑफ टी परसेंट. ओके आफ्टर दैट यू ऑब्जर्व दैट दिस इज द एरर एंड दिस वन इज द ऑफसेट. ओके दिस पोर्शन इज द ऑफसेट. अभी ये जो पोर्शन है हम लोगों ने प्रीवियसली जो कंट्रोलर देखा था उसमें नहीं था. ओके ये जो कंट्रोलर है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एक्शन कंट्रोल जो है इसमें ये एक्स्ट्रा पैरामीटर रहता है दैट इज़ द ऑफसेट. ऑफसेट मीन्स क्या है, जो भी आपका पोर्शन है क्या है यहाँ तक के अगर रहता था तो वो ऑफसेट में नहीं आता था, ये लाइन के ऊपर अगर रहता था, लेकिन वो लाइन के एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है सो इट इज़ द कॉल्ड एज द ऑफसेट. ओके सो इसमें डिसएडवांटेज अभी देखा हम लोगों ने, इट डज नॉट इलिमिनेट द ऑफसेट. ओके सो सी द कंट्रोलर आउटपुट क्या होता है. अभी इसमें ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे ओके इसको बोलते हैं डेरिवेटिव रिस्पॉन्स. ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये साइड वाला ओके ये क्या आपका डेरिवेटिव रिस्पॉन्स, और ये क्या है दैट इज़ द ऑफसेट. ओके सो दिस इज़ द प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एक्शन, एंड ऑलरेडी वी सी दैट द डिसएडवांटेज इट कैन नॉट इलिमिनेट द ऑफसेट ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. ओके अभी ये जो ऑफसेट आ रहा है ये क्या नहीं कर सकता, ये इलिमिनेट नहीं कर सकता, ये डिसएडवांटेज है. ओके सो दिस इज़ द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एक्शन. सो थैंक यू.